हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रोटशीट और मोती से बहुत ही प्यारी सी बाली, जो आपको बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है इसे लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स करना ना भूलें और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी देख लें। देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ जो ईयरिंग, उसके लिए मैंने ये हुक लिया है, 4.5 mm का धागा लिया हमने कॉटन का थ्रेड, और इसके अंदर हमने क्रिस्टल मोती को निडिल की सहायता मदद से इसके अंदर पिरो लिया है, डाल दिया है। आप अपने मोती जो है आपके पास जिस तरह का हो, गोल मोती हो, किसी इससे छोटा या इससे बड़ा भी आप यूज़ कर सकती हैं। क्रोशिया हुक हमने लिया है 1.3 mm का, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक स्लिप नोट लगा लें, स्लिप नोट लगाने के बाद हमने इस हुक के अंदर इसे अटैच कर देना है, जोड़ देना है। हुक जो है आप इससे छोटा या इससे बड़ा भी ले सकती हैं, आपको जैसा पसंद हो आप अपने पसंद के मुताबिक हिसाब से आप इसे बना सकती हैं। देखिए सबसे पहले वन चेन डाल के हमने इसे अटैच कर दिया। अब हमें इसके अंदर, इस हुक के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से हमने इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। कितना सिंगल क्रोशिया बनेगा मैं ये आपको बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो में सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो मैं देखिए हमने 42 टाइम इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। वन चेन बनाना है, ऐसे टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हमने 5 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया बनानी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 टाइप सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने 32 टाइम इसके अंदर 32 मोती को हमने लगाना, ऐड करना था। सबसे पहले मोती हम यहाँ पर लिए और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर दिया। ये देखिए इस तरह से जैसे मोती लाया, नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। इस तरह से हमने अटैच करना, देखिए इस तरह से हमने इसे अटैच कर देना है मोती को। तो मैं इसे सारी मोती को अटैच करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। बस मोती को पास मिलाना है, करीब मिलाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। फिर से हमने मोती को बिल्कुल पास मिलाना है और सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच कर देना है। इस सारी मोती को अब ऐड करने के बाद मैं आपसे आगे मिलती हूँ। ये देखिए हमने ये जो है मोती जो है लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद टोटल मोती जो है हमारा इसमें 32 लगा है। अब 5 5 दोनों साइड से हमें छोड़ देना है। अब हमने 5 चेन बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस साइड से देखिए 1, 2, 3 मोती को छोड़ देना है। चौथे चेन में हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाया, 3 चेन को छोड़ देना है। 1, 2, 3 वो चेन में हमने सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। इस तरह से हमने इसमें जाली बनाई। फिर से 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाया, 3 चेन को स्किप कर देना है। 1, 2, 3 फोर्थ चेन में हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। तो इस तरह से हमने ये रो भी करना है। मैं ये रो को कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये रो हमारा कंप्लीट हो गया इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसे फिर से टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हमने इसके जो 5 चेन का बनाए हैं इसके अंदर 1 स्लिप स्टिच से इसको जो बीच बीच में आना है, और फिर से 5 चेन बनाना है। 1, 2, 3, 4 फाइव चेन बनाया, और नेक्स्ट चेन के लूप के ऊपर हमने इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है। फिर से 5 चेन, 1, 2, 3, 4 5 चेन बनाया और नेक्स्ट लूप के अंदर इसे जोड़ देना है। देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना है। मैं इस तरह से इसको बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4 5 चेन बनाया और नेक्स्ट लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ दिया। मैं इसे कंप्लीट करने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए ये लो हमारा पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद हमने 4 चेन बनानी है। 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद एक पाइकॉट बनाना है यहाँ पर। स्लिप स्टिच से अटैच करना, देखिए इस तरह से
अब हमने इस फाइव चेन के अंदर हमने फाइव सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 5 टाइम, 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया इस चेन के अंदर, और 1 डबल सिंगल क्रोशिया जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से इसे अटैच किया था, देखिए इस तरह से। फिर से हमने यहाँ पे 4 चेन लेना है, 1 2 3, 4 चेन लेने के बाद अब पाइकॉट बना देना है यहाँ पे स्लिप स्टिच से एक ये, और ये जो 5 चेन का गैप है इसके अंदर हमने 5 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी, 1 2 3 4 5, 5 सिंगल क्रोशिया इस लूप के अंदर, चेन के अंदर, और 1 सिंगल क्रोशिया जहाँ पर हमने अटैच किया था वहाँ पर, ये देखिए। इसको करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर फिर से 4 चेन लेना है, 1 2 3, 4 चेन लेना है, और यहीं पर हमने 1 पाइकॉट बना देनी है। तो इसी तरह से इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमने अपने एंड तक इसे बनाना है। मैं एंड तक बनाने के बाद आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए हमने ये पैटर्न जो है बना लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 चेन लेनी है, 1 चेन लेने के बाद धागे को हमने यहाँ पर कट कर लेना है सेफली, देखिए इसको अच्छे से टक कर लेना है, एक्स्ट्रा धागे को कट के हटा देना है। हमारी बहुत खूबसूरत से बाली बनके तैयार हो गई है। आप मेरे चैनल को पहली बार देखें तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें।